वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी हो रहा है शाम का 6, मेरी आरती हो चुकी है, मैंने शाम की पूजा कर ली है। अभी बन रही है मेरी यहाँ पे चाय, ये देखिए, ये बन रही है मेरी चाय, ये देखिए हो चुकी है मेरी चाय बन के रेडी। ये दूध का पतीला था, इसी में दूध को गर्म करके निकाल लिया है, और इसी में मैंने एक कप चाय, मैं बस मैं ही पीती हूँ इसीलिए एक कप चाय बनाई है। ये हो गई है मेरी चाय रेडी यार, ये देखिए ये हो चुकी है मेरी चाय बनके रेडी। आ जाइए चाय पीने के लिए। मुझे तो भैया वैसे भी मैं तो चाय बहुत पीती हूँ, मैं तो वैसे भी बहुत चाय पीती हूँ, और खासकर ये तो चाय का सीज़न है, सर्दियों में तो चाय ही बस होनी चाहिए। तो ये मेरी चाय है, ये है बड़े बेटे का मिल्क और ये है छोटे बेटे का मिल्क। उसने वो पी चुका है, उसका थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने कहा इसको भी फिनिश कर दे, तो वो मैंने जो बचा हुआ है वही थोड़ा सा गर्म कर दिया है। ये बड़े का, ये मेरी चाय, ये उसका मिल्क, और ये देखिए ये मैंने रखी है मूली। आज बनाने जा रही हूँ मैं मूली के पराठे। तो ये देखिए ये तीन तो फ्रेश मूली हैं, ये इनको हो गए आई थिंक 8 दिन हो गए होंगे ये रखी हुई हैं। ये छोटे का, तो ये बड़े, ये तीन फ्रेश हैं, ये हैं आई थिंक हम लोगों के लिए बहुत रहेंगी ये मूलियाँ। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं मूली के पराठे, बस पहले पी लेती हूँ मैं चाय, उसके बाद बस इनको छील के ग्रेटर करना है। ग्रेटर करके मैं, पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं मूली के पराठे कैसे बनाती हूँ। यहाँ मैं आ गई हूँ मूली के पराठे बनाने के लिए। तो ये जो मैंने मूली आपको दिखाई थी वो मैंने कद्दूकस कर ली है, और अभी मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, गैस को कर दिया है ऑन, क्योंकि मूली में मूली जो है वो मैं अब तलूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा डाला सरसों का तेल, सरसों के तेल में करूँ तो ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है, तो इसमें डाला है मैंने सरसों का तेल। इनको तलूँगी क्योंकि तल के जो पराठे में स्वाद आता है ना वो कच्ची में नहीं आता, तो मैं तो तल के ही डालती हूँ। बस अब तेल गर्म हो जाएगा, उसके बाद मैं डालूँगी इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग, ये डाल दिए मैंने आधी चुटकी हींग। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा, ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ करते इसमें, बस हींग, जीरा, धनिया, हल्की सी हल्दी भी डालते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है हींग, अब मैं डालूँगी इसमें जीरा। कढ़ाई ना ज़्यादा गर्म नहीं हुई थी, वो मैंने पहले ही डाल दिया था, इसमें थोड़ा हींग जीरा, ज़्यादा तेज़ नहीं हुई थी पर अब हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा चला दूँगी। अब चलाने के बाद अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, बस हल्दी, धनिया इसमें मैंने डाल दी है आधी चम्मच हल्दी, ये डाल दिए आधी चम्मच हल्दी, ये डाल दिया मैंने आधी चम्मच भर के इसमें धनिया। इसको थोड़ा सा मसाले को मिक्स कर लेंगे, गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर देंगे क्योंकि हमारे मसाले जले नहीं,
तो बस इसको थोड़ा सा भून के मसाले अच्छे से भून गए। अब इसमें हमने जो कद्दूकस करके लौकी रखी थी उसको डाल देंगे। ये देखिए मैंने ये डाल दी है लौकी इसमें। ये चार लौकी थी, चार लौकी का इसमें इतना ये बन गया है स्टफिंग। तो इसमें मैंने डाल दी है जो भी लौकी थी सारी डाल दी है मसालों में। ये देखिए बस इसको कर देंगे हम थोड़ा सा मिक्स, ताकि लौकी में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखिए ये कर रही हूँ मैं मिक्स सारे मसाले। देखिए इसमें मैं डालूँगी आधी छोटी चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर। जिसे ज़्यादा तीखा पसंद हो तो वो अपने हिसाब से डाल सकता है, क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्च भी डालूँगी तो इसलिए आधी चम्मच भर के ही मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अब डालेंगे इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक। नमक आई थिंक नमक तो थोड़ा कम ही रखना चाहिए, क्योंकि आटे में भी हम नमक डालते हैं, तो इसीलिए अपने इस टेस्ट के हिसाब से अपना नमक डाल दीजिए। फिर इसको कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। इसको कर देते हैं अच्छे से मिक्स, ताकि नमक मिर्ची इसमें अच्छे से मिल जाए। ये देखिए हो गई। अब ये है कटा हुआ धनिया, इसमें ही हरी मिर्ची है अंदर, इसमें मैंने मिक्स कर लिया था। अब बस वो हो गया है हमारा रेडी बनके। मूली की जो स्टफिंग है वो रेडी हो गई है बनके। इसमें हम डाल देंगे अब कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्ची। आप चाहो तो हरी मिर्ची पहले भी डाल सकते हैं मसालों के साथ, बट मैंने नहीं डाली, मैं तो अभी डाला है बाद में। बस इसको कर देंगे हम अच्छे से मिक्स, ताकि धनिया और मिर्च का फ्लेवर अच्छे से स्टफिंग में अब्सॉर्ब हो सके। ये देखिए इसको मैं कर रही हूँ अच्छे से मिक्स, क्योंकि धनिया ना चाहे कोई सब्जी हो चाहे कुछ भी हो, जब धनिया बाद में डालते हैं तो उसका अलग ही फ्लेवर आता है। तो बस इसमें मैंने डाल दिया धनिया और हरी मिर्ची। अब ये देखिए कितना अच्छा कलर लग रहा है इसका।
अगर कच्ची बनाते हैं हम तो उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता पराठों का जितनी कि इसको हम ऐसे स्टफिंग को तल के बनाते हैं, तो इसके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। आप कभी भी ट्राई कीजिएगा। मैं तो कच्चे का कभी नहीं बनाती, मैं तो बस ऐसे ही इसको। अब मैं ये देख रही हूँ इसमें कहीं थोड़ा सा पानी तो नहीं है इसमें, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो हमारे पराठे ना फट जाएंगे बनाने में, इसीलिए बिल्कुल ये ड्राई हो जाए तभी इसको अच्छे से उतारें। तो ये हो चुका है बिल्कुल से रेडी, ये देखिए। अब मैं कर दूँ, देखिए फ्रेंड्स, अब ये देखिए रेडी हो चुके हैं मेरे मूली के पराठे। कितने करारा से का है ये पराठा, कितना अच्छा लग रहा है। और देखिए बिल्कुल भी नहीं फटा है कहीं से भी। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है, क्योंकि ना मैं स्टफिंग अगर मैं ऐसे ही तल के बनाती हूँ तो ही पराठे अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए कितना यम्मी पराठा लग रहा है। पराठे देखने में क्या, खाने में भी बहुत अच्छे बने थे। तो आप ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।